सबसे बड़ी अच्छी बात तो यह है मेरे घर वाले मेरे ऊपर प्रेशर नहीं डालते हैं कि आप हो कहाँ कर क्या रहे हो। सही बताएं तो मुझे चाय के बारे में उतना नॉलेज तो नहीं था, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे कुछ दिखाई नहीं। चाय की बात ही छोड़ दीजिए, मैंने अपने हाथ से कभी अपना कपड़ा नहीं धुला था। बनारस से IIT की तैयारी किया था, फिर कानपुर से BTEC किया था। उनको ये नहीं पता है कि मैं मतलब स्टॉल लगाता हूँ चाय का, उनको ये पता है कि मैं तैयारी कर रहा हूँ। अभी मैंने किसी से नहीं बताया, ऑफिशियली होता नहीं कि सबसे बताते हैं लोग, मैंने अभी आज तक किसी से नहीं बताया कि मैं ये काम कर रहा हूँ। सबको ये बताया कि मैं अभी ये तैयारी कर रहा हूँ। मुखर्जी नगर है जो ना, ये माया की नगरी है। आने के बाद से इसने हमको सब कुछ सिखा दिया कि मतलब आगे आगे कैसे करना है। मैं जिम्मेदारियों को नहीं समझता था, वैसे क्या हुआ ना कि मैं समाज समझने लगा और जिम्मेदारियाँ क्या होती हैं और ये पैसा मेन होता क्या है, मतलब पैसा आता कहाँ से और जाता कहाँ से, खर्च क्या होता है, ये सब मैं जिम्मेदारियाँ नहीं समझता था। कॉलेज टाइम में घर से पैसे आते थे, खाओ पियो मस्त रहो, ये वाला सीन चलता था। सोच रहा हूँ 24 में अच्छे से दूँ, उसके बाद आगे का सोचते हैं कैसे करना है। एक ऐसे स्टूडेंट से मिलाऊंगा दोस्तों जिनकी ज़िंदगी में काफ़ी स्ट्रगल रहा है, लेकिन एक चाहत है, एक चाहत है IAS बनने की, एक चाहत है देश और समाज की सेवा करने की। पैसे की कमी है, पैसे के अभाव कारण कई छोटे मोटे जॉब किए नहीं हुआ और ये खुद एक छोटा मोटा चाय का दुकान चलाते हैं और इससे जो अर्निंग होती है इससे अपनी पढ़ाई करते हैं और इससे ही रहने की व्यवस्था खाने की व्यवस्था सारा करते हैं। मैं महावीर जी, कैसे हैं आप? सही हैं, आप बताइए कैसे हैं? बस बढ़िया। ये चाय की दुकान का क्या मतलब है, कहाँ से आपको आइडिया आया कि आपको क्यों चाय की दुकान खोलनी पड़ी? मैं कानपुर से BTEC किया हूँ। BTEC करने के बाद मेरा ऑफ कैंपस प्लेसमेंट होता है, जॉब करने जाता हूँ फार्मास्यूटिकल कंपनी में, क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर रहता हूँ। जॉब में मन नहीं लगता है और मुझे पढ़ना भी था। क्या है कि मैंने कॉलेज टाइम में अपनी तैयारी कर रखी थी, प्रिपरेशन कर रखा था, लगातार 2 साल किया हुआ था, तो घर का प्रेशर था, घर वालों का प्रेशर था, मुझे जॉब भी करना था, पढ़ाई भी करनी थी। वहाँ पर जॉब अच्छा नहीं लगा, फिर छोड़े, दिल्ली आ गए, राजेंद्र नगर में पता किए, वहाँ का रेट ही इतना ज़्यादा है। राजेंद्र नगर में जब उतरा तो वहाँ क्या था कि उतरते ही फ्लैट रूम तो सिंगल मिल नहीं रहा था। वहाँ पर फ्लैट का ये सीन था, 24,000 दो, 18,000 दो, तो आपको रूम या मिलेगा या उसको फ्लैट बोल लीजिए, फ्लैट मिलेगा। तो मैं फिर वहाँ से वापस चला गया लक्ष्मी नगर। अच्छा, लक्ष्मी नगर में मेरे दोस्त हैं, CA तैयारी करते थे, उनके पास गया, एक हफ्ते रहा और फिर उसके बाद वहाँ से रहते हुए मैंने सारी चीज़ों का पता किया, कहाँ रहें कहाँ सही रहेगा। तो मुझे काफ़ी घूमने टहलने के बाद, इधर उधर देखने के बाद मुखर्जी नगर सही लगा। दोस्तों, हर साल हजारों स्टूडेंट UPSC में बैठते हैं, लेकिन चंद ही स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो UPSC क्रैक करते हैं। वो वही स्टूडेंट होते हैं दोस्तों जिनकी जो स्ट्रेटेजी होती है वो प्रॉपर होती है, जिनकी जो डायरेक्शन होती है तैयारी की वो प्रॉपर ढंग से होती है और बहुत ही स्मार्ट तरीके से वो आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी स्मार्ट बनना चाहते हैं तो दोस्तों आपको एक गाइड की ज़रूरत है, एक मेंटोर की ज़रूरत है। आज मैं एक ऐसे ही मेंटोर की बात करूँगा जो पिछले 12 साल से ओल्ड राजनगर दिल्ली में मेंटरशिप चला रहे हैं और इनके मेंटरशिप में कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने UPSC क्रैक की है और आज IAS और IPS हैं। इट इज ओनली यू हैव टू फाइट एंड कम बैक आउट ऑफ इट, है ना। अच्छे मेंटरशिप के साथ मेरे मेंटर्स के साथ में रहे,
जैसे मैं रियासत सर से कभी भी फ़ोन करो, कभी परेशानी होती थी तो मैं रियासत सर से बात कर लेता था। उनका IAS मेंटरशिप चलता है करोल बाग ओल्ड राजेंद्र नगर में, है ना। पहली बात की एक्सपीरियंस उनका खुद का, दूसरा 24/7 अवेलेबिलिटी बिकॉज इस प्रिपरेशन में चाहिए होता है आपको। यहाँ पे आपको 1-to-1 मेंटरशिप दी जाएगी, एनी टाइम किसी टाइम भी डॉट हो आप कॉल करें, इमीडिएट रिप्लाई आपको मिलेगा। प्रीलिम्स की बात करें, मेंस की बात करें, आंसर राइटिंग की बात करें, सी सेट की बात करें, एसी की बात करें, एवरीथिंग यू विल गेट ऑन दिस प्लेटफॉर्म। एक सिंगल मेंटरशिप प्रोग्राम, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। एक बार जरूर कॉल करें, एक बार कॉल करके अपनी रिक्वायरमेंट बताएं और आप समझने की कोशिश करें कि क्या आपकी रिक्वायरमेंट यहाँ फुलफिल हो रही है। अगर हो रही है तो दोस्तों ये मेंटरशिप आप सभी के लिए वरदान बन सकता है। ये नंबर यहाँ पर फ्लैश हो रहे हैं, इसी नंबर पर कॉल करें और जानने की कोशिश करें कि क्या क्या आपकी कमियाँ हैं, क्या क्या आप में आपको ज़रूरत है, आपकी रिक्वायरमेंट के साथ क्या इस मेंटरशिप से आपको वो सारी चीज़ मिली। अगर मिल रही है तो दोस्तों इस मेंटरशिप को जरूर ज्वाइन किए ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है, UPSC की प्रिपरेशन है, उसको शानदार बनाया जा सके। तो मैं मुखर्जी नगर में आया तो जॉब का भी सीन देखना था और पढ़ाई का भी सीन देखना था। तो लास्ट में क्या हुआ कि पैसे जितने लाए थे वहाँ से कंपनी से, तो उसके बाद तो घर से पैसे उसे नहीं मिलते आपको? नहीं, घर से मैंने बताया ही नहीं है आज तक। अच्छा, मैंने इन्होंने घर में बताया नहीं कि यहाँ पे जो है टी स्टॉल चला रहे हैं और सिविल सर्विस की भी तैयारी कर रहे हैं। तो अगर घर में पता चलेगा तो क्या इससे क्या असर पड़ेगा, मतलब क्या है ये? बता तो रहा हूँ कि मैं करीब 7-8 महीने हो गए ये टी स्टॉल चलाते हुए। मैंने सबसे बड़ी अच्छी बात तो ये है, मेरे घर वाले मेरे ऊपर प्रेशर नहीं डालते हैं कि आप हो कहाँ कर क्या रहे हो। बस उनको ये पता है, मैं एक बार बताया हूँ कि मुखर्जी नगर में हूँ, तैयारी कर रहा हूँ, इसीलिए वो लोग भी एकदम फ्री माइंड है कि चलो कम से कम तैयारी तो कर रहे हैं। जॉब छोड़ के आया था तो बहुत गुस्सा थे, उसके बाद सब खुश हैं कि मतलब कम से कम तैयारी करो, अच्छे से करो, लेकिन जल्दी करने की कोशिश करो, टाइम नहीं है तुम्हारे पास। अच्छा, मतलब इसका भी प्रेशर है कि जो भी करना है जल्दी करो। अब ये बताइए कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कैसे कर रहे हैं आप, कैसे टाइम मिलता है इन सब सारी चीज़ों के, मतलब दुकान के बाद फिर पढ़ाई करना, कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, जो भी दृष्टि आई है इसका टेस्ट होता है संडे सैटरडे को, टेस्ट का तो मतलब मेरे दोस्त हैं सब क्लास करते हैं दृष्टि में, तो वो सब डिस्कशन हो जाता है संडे सैटरडे को। और शाम को मैं जब यहाँ से जाता हूँ, मेरे रूममेट हैं, दोस्त के भाई हैं, वो भी दृष्टि में क्लास करते हैं, तो मैं पहले से भी पढ़ रखा हूँ, वो लोग अभी फ्रेशर हैं, फाउंडेशन बैच में हैं, तो उन लोगों को बताता हूँ और अपने भी पढ़ता हूँ, ऐसे चीज़ों को मैनेज कर रहा हूँ। तो मतलब आप कोचिंग नहीं करते हैं, बच्चे जो पढ़ के आते हैं उससे पूछते हैं, सीखते हैं, उनके नोट्स को यूज़ करते हैं, ये कर रहे हैं? जी। क्यों कोचिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? वही बोले कि पैसे की अभाव। नहीं, कोचिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉस्टली है और इतना पैसे है नहीं और इतना टाइम भी नहीं है कि प्रॉपर तरीके से कोचिंग को पैसा जमा करे और फिर से पढ़ाई कर सके, उतना टाइम भी नहीं है। देखिए, वही मैं कह रहा था कि कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, ये एक अलग इनका ज़रिया है और इसे भगवान को कामयाब करे। मतलब कोचिंग के लिए पैसे नहीं है, फिर भी जो रूममेट हैं, फ्रेंड हैं, उनसे नोट्स लेते हैं, उनसे डिस्कशन करते हैं, इस तरह से करते हैं। तो आप मॉर्निंग किस टाइम शॉप किस टाइम खुलती है और रात में किस टाइम बंद करते हैं? सुबह 9-10 बजे खोलता हूँ, फिर शाम को 7 बजते मतलब क्लोज कर देता हूँ। क्या रिस्पॉन्स है, लोकल रिस्पॉन्स क्या है? लोकल रिस्पॉन्स ठीक है, मतलब बता रहा हूँ, काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं लोग यहाँ पर। तो कितनी अर्निंग हो जाती है कुछ, कैसे मतलब आप रूम में रहते हैं, खाना बनाते होंगे, उनके ये सब सारे खर्च, तो क्या ये टी स्टॉल से वो मैनेज हो जाता है सारी चीज़? हाँ, इन सब इनसे मैनेज हो जाता है कि मतलब घुमा लेता हूँ कि हाँ इसको कैसे करना है और कैसे आगे का प्लानिंग है, सब इससे हो जाता है इतना अर्निंग कि मेरा खाना और रहने का हो जाता है। ये आइडिया क्यों आया कि चाय की दुकान ही करें या फिर कुछ और भी तो कर सकते थे आप? सही बताएं तो मुझे चाय के बारे में उतना नॉलेज तो नहीं था, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे कुछ दिखाई नहीं और मतलब ज़्यादा आउटपुट भी देने मेरे पास नहीं था, अपने दोस्तों से बात तो लो बजट में एक अच्छा, हाँ मतलब लो बजट में कम आउटपुट दे के इनपुट अच्छा निकालने का हमको यही लगा तो जरिया रहा, और ज़्यादा मतलब टाइम भी नहीं देना है, कम टाइम में करना था, तो मैंने यही अपना स्टार्ट कर दिया। पढ़ाई का क्या रूटीन रहता है, यहाँ से जाने के बाद पढ़ाई करते हैं, मॉर्निंग में करते हैं, किस टाइम करते हैं पढ़ाई? पढ़ाई तो मतलब रात में होती है, मतलब 7-8 बजे के बाद से लेकर 10-11-12 बजे तक। तो आप सारा मैनेज कर लेते हैं, इससे UPSC के लिए तो काफ़ी पढ़ना पड़ता है, तो फिर कैसे ये सारी चीज़ें कर रहे हैं? नहीं, तो मैंने पहले से भी पढ़ रखा है ना। अच्छा। मैंने 2019 से पढ़ना स्टार्ट किया था, 2022 के मई जून में जब रिजल्ट आया था UPSC का, रिजल्ट आया था 2021 बैच वालों का, तब थोड़ा सा रिजल्ट आने के बाद ऑफ कैंपस प्लेसमेंट हो गया, उसके बाद से थोड़ा नहीं ध्यान दे पाया, नहीं तो मैंने कंटिन्यू तैयारी कर रखा है, बीच बीच में सेमेस्टर आता गया छोड़ दिया हूँ, नहीं तो तैयारी मैंने पहले से भी कर रखा है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि UPSC की प्रिपरेशन की तैयारी आपकी है।
और पैसे के अभाव थे और भी अपने आप को वक्त देना चाह रहे थे, इसलिए आपने ये ज़रिया अपनाया। तो आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका पैसे के अभाव है और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो करना चाहते हैं लेकिन उनके पास रिसोर्सेज कमी होती है। अब ये बताइए कि कब आप दे रहे हैं UPSC का एग्ज़ाम और आपके ऑप्शनल पेपर क्या हैं? मैं 2024 में दूंगा अच्छे से। अच्छा, एक ही अटेम्प्ट दूंगा, अच्छे से दूंगा। फिर उसके बाद प्लान बी भी बना रखा है कि मतलब उस पर भी काम करना है, क्या पता प्लान ए के चक्कर में प्लान बी भी हमारा ख़त्म हो जाए। तो एक अटेम्प्ट अच्छे से दूंगा, उसके बाद मुझे लग जाएगा कि हाँ मुझसे होगा या नहीं होगा। तो अभी तक आपने एक भी अटेम्प्ट नहीं दिया? नहीं, एक अटेम्प्ट नहीं दिया, भरा था लेकिन मतलब अब की बार भरा था लेकिन समझ दिया नहीं, समझ नहीं लगा कि मुझसे नहीं हो पाएगा, अभी मतलब और टाइम देना चाहिए। तो मैं इसीलिए सोच रहा हूँ 24 में अच्छे से दूँ, उसके बाद आगे का सोचते हैं कैसे करना है। तो ऑलमोस्ट आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं अभी, तो सेल्फ स्टडी कितनी इफेक्टिव होती है बच्चों के लिए अगर वो खुद से तैयारी करते हैं? नहीं, मैंने मतलब ऑनलाइन क्लास ले रखा है। अच्छा। रीजन से ऑनलाइन क्लास ले रखा है, ऑप्शनल तक का मैंने मतलब जियोलॉजी मेरा ऑप्शनल है, तो 2 महीने ऑप्शनल का भी मैंने क्लास किया है, बस थोड़ा सा ऑप्शनल बचा था, बाकी GS वगैरह मेरा पूरा कम्प्लीट। MCD वालों का सीन नहीं पता रहता था मुझे कि कब आते हैं कब जाते हैं, तो मेरा करीब मुझे लगता है 5-7 बार लगातार उठा ले गए वो लोग सामान शॉप आपके। हाँ, शॉप उठा ले गए और मैं घर भी नहीं जा सकता और किसी से कुछ कह भी नहीं सकता था, तो क्या करना रहता था, फिर से जाता था ले आता था, फिर लगाता था, फिर चला जाता था, फिर ले आता था। कई बार तो ऐसा हुआ है कि मतलब एकदम पूरा पूरा सामान ही गायब हो गया है, मतलब सब कुछ उठा ले गई MCD। फिर तो फिर वापस नहीं मिलते हैं सामान? नहीं, जैसे मुझे पता नहीं था ना कि कहाँ से भी कहाँ ये सामान जाता है और कहाँ से कैसे ले आना रहता तो था। फिर से आपको सामान खरीदने होंगे, ये सारी चीज़ें? हाँ, सारी चीज़ें मुझे फिर से खरीदनी होती थी और फिर से अपना काम स्टार्ट करना रहता है। तो ये कितनी बार हुआ MCD का? करीब हमारे 7 बार तो हो चुका है, 6-7 बार आराम से हो चुका है। जब भी आपने दुकान खोली वो उठा के ले जाते हैं? हाँ, ये उठा के ले जाते थे, मुझे पता नहीं रहता था ना कि मतलब हटाना रहता है, जब MCD आती है लोग हटा देते हैं, मुझे पता नहीं रहता था, मैं लगाया रहता था। महावीर जी, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन जो चाहते हैं कि दिल्ली में आके सिविल सर्विस की तैयारी करें लेकिन पैसे के अभाव के कारण नहीं आ पाते हैं, क्या आपको लगता है कि इस तरह के चाय स्टॉल खोल के आप अर्निंग करके सेल्फ स्टडी करके UPSC क्रैक कर लेंगे? मुझे ज़रूरत थी, मैं दिल्ली में आया, जॉब छोड़ दिया था, मेरे पास इनकम सोर्स ऑफ इनकम कुछ नहीं था, तो मुझे लगा कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए, तो समझ में कुछ नहीं आ रहा था, मुझे यही मतलब टी स्टॉल ही दिखा, मतलब कि चाय का ही काम दिखा, जिसे कम बजट में हम अपना स्टार्ट करके अपना मतलब जीवन यापन कुछ टाइम के लिए कर सकते हैं और अपनी स्टडी भी कर सकते हैं, इसलिए मैंने अपना स्टार्ट किया। और लोगों का तो पता नहीं, लेकिन ये है जो और भी लोग हैं फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से अगर तैयारी नहीं कर पाते हैं, तो उनको मैं यही बोलूँगा कि पहले तो अगर वो ऑनलाइन स्टडी कर पाते हैं तो ऑनलाइन करने का कोशिश करें, नहीं तो यहाँ पे भी आगे कर सकते हैं, कम खर्चे में लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन कर लें और लाइब्रेरी में अपना टाइम दें, लाइब्रेरी वाले पैसे भी देते हैं और तैयारी भी करवाते हैं। घर में बात होती है किसी से आप? हाँ, मम्मी से बात होती है, पिताजी से बात की है काफ़ी। तो अभी उनको पता है कि आप दिल्ली में ये कर रहे हैं? नहीं, उनको ये नहीं पता है कि मैं मतलब स्टॉल लगाता हूँ चाय का, उनको ये पता है कि मैं तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा। अभी मैंने किसी से नहीं बताया, ऑफिशियली होता नहीं कि सबसे बताते हैं लोग, मैंने अभी आज तक किसी से नहीं बताया कि मैं ये काम कर रहा हूँ, सबको ये पता है कि मैं अभी भी तैयारी कर रहा हूँ और कर भी रहा हूँ। तो आपको आगे क्या लगता है, कैसा लगता है कि ये जो सफ़र है UPSC का आप किस तरह से उसको पूरा करेंगे और भी क्या क्या हो सकता है, इससे बड़ी चैलेंजेस आए तो कैसे उसको हैंडल करेंगे? यहाँ आने के बाद से ना UPSC ये मुखर्जी नगर है जो ना, ये माया की नगरी है। हाँ। आने के बाद से इसने हमको सब कुछ सिखा दिया कि सिखा दिया। कि मतलब आगे कैसे करना है। क्या होगा, कैसे करना है, ये मतलब बता रहे हैं हम, मुझे 8-9 महीने हो गए, ये मुखर्जी नगर एकदम किसी को समझ ही नहीं आता है कि मतलब वास्तव में है क्या। हमें नहीं लगता है कि जब आप घर में थे तो मम्मी या पापा या भाभी के लिए कभी चाय बनाया होगा, लेकिन आज चाय की दुकान आपने खोली और सभी को चाय पिला रहे हैं। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? सही बोल रहा है, चाय की बात ही छोड़ दीजिए, मैंने अपने हाथ से कभी अपना कपड़ा नहीं धुला था कॉलेज टाइम पे या कहीं स्कूल टाइम पे, हमेशा से मैं बाहर ही रह के पढ़ाई किया हूँ, बनारस से IIT की तैयारी किया था, फिर कानपुर से BTEC किया था, तो मैंने कभी मतलब अपने हाथ से नहीं किया था कि ऐसा कुछ करना होगा, बट वही इन्हें मजबूरी आपको रास्ता दिखाती है, आपको सिखाती है हर एक चीज़। मजबूरी नहीं कह सकते, जैसे कि मैं जिम्मेदारियों को नहीं समझता था, वैसे क्या हुआ ना कि मैं समाज समझने लगा और जिम्मेदारियाँ क्या होती हैं
और ये पैसा मेन होता क्या है, मतलब पैसा आता कहाँ से और जाता कहाँ से, खर्च क्या होता है, ये सब मैं जिम्मेदारियाँ नहीं समझता था कॉलेज टाइम में। मतलब घर से पैसे आते थे, खाओ पियो मस्त रहो, ये वाला सीन चलता था। वैसे मैं जिम्मेदारियों को समझने लगा हूँ, काफ़ी चीज़ें सीख लिया हूँ। अच्छा, आप चाय आप कैसा बनाते हैं, मतलब जो कस्टमर होंगे तो बताते हैं क्वालिटी किस तरह की होती है, ये सब चीज़ें। इतना हो गया है कि मतलब एक बार चाय बना दूँ, नॉर्मल बता रहा हूँ, दूध पत्ती केवल बता दूँ, कोई मतलब ये नहीं कहेगा कि चाय खराब है, इतना दिन से बना। चाय की दुकान देखिए, ये है स्टूडेंट चाय वाला, चाय से चाहत तक का सफ़र। इसका ये मतलब हुआ कि चाय एक जरिया है लेकिन चाहत है यूपीएससी क्रैक करना। चाय से चाहत तक का सफ़र, भगवान इनको इनका पूरा करे, मेरी दिल से दुआ है। महावीर मुझे भी चाय पीना है अब मैं चाय पीऊँगा, महावीर जी के बनाए हुए चाय पीऊँगा और मैं इनको अपना काम करने दूंगा, क्योंकि ये चीज़ें किसी ने बताया था कि यहाँ पे ये चीज़ें चल रही हैं, तो हमें लगा कि एक स्टोरी हो सकती है आप सभी के लिए। जब महावीर इतनी स्ट्रगल करके यहाँ पहुँच सकते हैं, ये सारी चीज़ कर सकते हैं, आपके आपके पास सारी रिसोर्सेज हैं, आप सारी चीज़ें, उसके बाद भी अगर आप यूपीएससी क्रैक नहीं कर सकते हो तो इट इज़ योर फॉल्ट। इनके पास जज्बा है, हिम्मत है, कॉन्फिडेंट है, 2024 इनका टारगेट है और मुझे क्यों लगता है कि ये अपने मकसद में कामयाब होंगे। महावीर जी चाय पिलाइए। देखिए मेरे पास बता रहा हूँ, सेलेक्टेड बंदे आते हैं, जैसे कि 2021 बैच के विनय मैंक दुबे हो गए, 147 रैंक, किराना शुक्ला हो गए और तमाम सारे ऐसे यूपीएससी सेलेक्टेड बंदे आते हैं यहाँ। अगर जो कंटिन्यू अरे थोड़ा सा गड़बड़ा रहा हूँ, यहाँ कोई भी आए, जैसे यहाँ की मोह माया छोड़ के अगर प्रॉपर तरीके से रूम में प्रॉपर तरीके से तैयारी कर रहा है तो हमको लगता है सिलेक्शन हो जाता है। बस ये है, लोगों ने नाम बदनाम कर रखा है। अच्छा। कि सिलेक्शन नहीं होता है, लेकिन यहाँ आने के बाद लोग गलत संगत का साथ पकड़ लेते हैं। अगर प्रॉपर तरीके से तैयारी करें तो हमको लगता है सिलेक्शन तो हो ही जाता है। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है महावीर जी, आपको भगवान तरक्की दे। आप जिस मकसद से यहाँ पे आए हैं मुखर्जी नगर दिल्ली और मुखर्जी नगर दिल्ली आए हैं, 2024 में भगवान आपको यूपीएससी क्रैक कर सके, ये मेरी दुआ है। थैंक यू सर, थैंक यू।